संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही दो मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसी के साथ ही कैबिनेट ने शहरी विकास नीति को मंजूरी दी। इस नीति के तहत शहर के खाली पड़ी जमीन को विकास के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 4.5 करोड़ और 262 लोगों और संस्थाओं के लिए जारी किए गए हैं। इसी के साथ ही पीएचई डिपार्टमेंट में इंजीनियर सहित 181 पदों पर भर्ती की मंजूरी भी कैबिनेट में दी गई है। ये बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। जो पांच प्राधिकरण बनाए गए हैं उन पांचों प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्रिपरिषद की अनुमति। और ज्यादा जानकारी लेंगे विस्तार से हम आकाश शुक्ला हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, साई कैबिनेट की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैबिनेट की बैठक ली और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बैठक लिए हैं। इसमें अगर विकास की बात करें तो शहरी विकास नीति बनाई गई है, नई विकास नीति लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों में किस तरीके से विकास किया जाए, किस तरीके से उन्हें मेट्रो सिटी के तर्ज पर डेवलप किया जाए, इसको लेकर नई नीति बनाई गई है। इसमें जो खाली भूखंड है उन क्षेत्रों में कैसे प्लानिंग के तहत उसको जोड़ा जाए, ये तमाम चीज़ें उसमें है। और बिंदुवार जो है सरकार ने इस पर फैसला लिया है और निर्देश भी विभाग को दिया है कि शहरवार इसका सर्वे किया जाए। वहीं जो है प्राधिकरण है वहाँ पूर्व में जो सदस्य हुआ करते थे वो लिमिटेड सदस्य, 3 से 4 सदस्य हुआ करते, उसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है, संशोधन किया गया है नियम में। इसके तहत जो मंत्री तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इसके अलावा क्षेत्र के विधायक और सांसद को भी इसमें जगह मिलेगी, जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष को इसमें जगह मिलेगी और जो उपाध्यक्ष नियुक्त करती है सरकार वो इसमें उपाध्यक्ष रहेंगे ही, इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे। तो इस तरीके से तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। वहीं अनुदान को लेकर जो 262 लोगों को करोड़ों रुपए का अनुदान की जो है वो अनुमति दी गई है, तो तमाम मंजूरी साय कैबिनेट में लिए गए हैं। जी ठीक ठीक आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है, सरकार ने प्राधिकरणों में नियुक्तियां कर दी है। बता दें न्यूज 18 ने पहले ही इस खबर को दिखाया था, न्यूज 18 ने बताया था कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिली है। आज सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। गोमती साय सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनाई गई है। गुरु खुशवंत साहिब को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। लता उसेंडी को बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं प्रणव कुमार को मध्य क्षेत्र प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरगुजा विकास प्राधिकरण का जो दायित्व मिला है, मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के आदरणीय CM साहब विष्णु देसाई जी को बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ और उनके पूरे कैबिनेट को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना है उसको भी मैं बहुत आभार। बस्तर के नक्सल पीड़िता आदिवासी दिल्ली पहुंचे, गृहमंत्री से मुलाकात के बाद आज ये आदिवासी JNU पहुंचे जहां उन्होंने छात्रों को अपनी बात सुनाई, आप बीते सुनाई। इन नक्सल पीड़ित लोगों ने अपनों को ID विस्फोट हत्या में खोया है। इन लोगों ने कल केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की थी। अमित शाह ने इन लोगों को बस्तर से नक्सलियों के खात्मे का भरोसा भी दिया।
रायपुर में कबाड़ में किताबें मिलने के बाद में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम साय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया। सीएम ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही थी। गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी। हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी और इधर रायपुर में कबाड़ में किताबें मिलने का कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम में जिलों से प्रदेश स्तर तक भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने सभी जिलों में जांच और जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जिस प्रकार से जांच कमेटी बनाई गई पाठ्य पुस्तक की निगमों को पहले कबाड़ की दुकान में और फिर गलने और कटने के लिए पेपर मिल में बेचने का काम किया, इसमें सरकार की मिलीभगत है, अधिकारियों की मिलीभगत है। सरकार जांच कमेटी बनाती है, जिन पांच लोगों को जांच कमेटी में बनाती है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो पांच लोग में दो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आ गया। बिलासपुर में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है। बता दें बीजेपी पार्षदों ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। देश सबका है ये बीजेपी नहीं मानती। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिका के दौरे से लौटे अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी अवैधानिक टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कवर्धा की घटना पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है और इस पर सीएम साय से चर्चा होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग अवैधानिक टिप्पणियां कर रहे हैं, समाज को अपमानित करने वाली टिप्पणियां कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्यवाही होनी ही चाहिए। मेरी संज्ञान में है, थोड़ी जानकारी है, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से इस घटना के संबंध में विस्तृत चर्चा मैं निश्चित रूप से करूंगा। पर मैं सभी को यह आश्वस्त करता हूं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। रायपुर में सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी फिर गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी करने की मांग हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आज ही रिजल्ट जारी किया जाए, इसके लिए उन्होंने रात 11 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया है। इनका कहना है कि गृहमंत्री ने 10 से 15 दिन में रिजल्ट निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। रिजल्ट जारी नहीं करती है तो हम इसी तरह से अपने परिवार के साथ आंदोलन गृहमंत्री के बंगले के बाहर जारी रखेंगे। और इधर रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में ये वारदात को अंजाम दिया गया। देवेंद्र नगर इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है।
खबर बिलासपुर से है, जहां फिलिस्तीनी झंडा फहराने के आरोपियों की जमानत के लिए चक्का जाम करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर की है। वकील प्रियंका शुक्ला सहित मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया था और आरोपियों की रिहाई की मांग की थी। ये चक्का जाम और प्रदर्शन 18 सितंबर को हुआ था। वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बिलासपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। दो महिलाओं ने दुकान से सोने की चेन गायब कर दी। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, तो वहीं पुलिस वारदात के बाद सीसीटीवी के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। मरवाही वनमंडल में 3,80,00,000 के रॉयल्टी घोटाले की सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में चल रही है, जहां वन विभाग ने रॉयल्टी रसीद पेश नहीं की। मरवाही वनमंडल के पेंड्रा क्षेत्र में 121 एनेकट के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। खनिज सामग्री की सप्लाई के लिए ट्रक और हाईवा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नियमों के अनुसार रॉयल्टी की रसीद नहीं ली गई। वन विभाग ने बिना रसीद के ही करीब 3,80,00,000 की रॉयल्टी की रकम का भुगतान कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिजवाइंडर दाखिल करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की गई है। दुर्ग में केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नारकोटिक्स एक्ट से इसे बंद था, इसी मामले में बंद था। तबियत बिगड़ने पर इसे जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह का खुलासा होगा। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस जांच में फिलहाल जुटी है। दुर्ग में अतिक्रमण के खिलाफ फिर बुलडोजर चला है। नंदनी रोड पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई है। नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई हुई। बता दें, भिलाई नगर निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अंबिकापुर में बटवारी घूस लेते गिरफ्तार हुआ। एसीबी ने इसे 5,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बता दें, भिट्टीगला के पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे ने शिकायतकर्ता से पावती चढ़ाने 5,000 की रिश्वत मांगी थी। भिट्टीगला के डोबन राम राजवाड़े ने पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कवर्धा कांड में आईजी ने एक्शन लिया है। बता दें, जांच में तथ्य के हिसाब से कार्रवाई। एक एसआई और एक महिला आरक्षक सस्पेंड हुए हैं। अभी भी मामले की जांच जारी है। अब तक 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में। पुलिस फोर्स वहां पर घरेघर थाने के साथ थे, वहां पर गए थे, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी और अंदर जाने नहीं दिया। अटैक कर दिया है आतंकवादी ने। पुलिस फोर्स वहां पर घरेघर थाने के साथ थे, वहां पर गए थे, क्योंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी और फिर अंदर जाने नहीं दिया वहां पर पुलिस बल को। कवर्धा में जादू टोने के शक में पति पत्नी से मारपीट करने का मामला सामने आया। घर के लोगों पर ही मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित ने अपने मां बाप बड़े भाई पर मारपीट का आरोप लगाया। बता दें, दोनों पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाने के लालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। अभी तक एक भी बार ससुर की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमरा ओकर चाहिए तो पुलिस के।
बीजापुर में शादी से इनकार करने पर युवक ने युवती को मार डाला। आरोपी ने धारदार हथियार से गला रेत दिया, जिसकी लाश जंगल में मिली थी। पुलिस ने वारदात के 40 दिन बाद युवक समेत उसके भाई और पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 500 लोगों की कॉल हिस्ट्री खंगाली और फिर हत्या का खुलासा हुआ। ये पूरा मामला शिवरपारा का है। आरोपी ने बताया कि युवती के शादी नहीं करने के फैसले से मेरा ईगो हर्ट हुआ, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार की समाज में बेइज्जती हुई थी, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए भाई के साथ मिलकर हत्या कर दी। बलौदाबाजार में युवक की हत्या की गई है। युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज चल रहा था। ढाबा संचालक दुकानदार में यह पूरा विवाद हुआ था। सुहेला थाना इलाके में यह पूरी वारदात हुई। सुकमा से सटे ओडिशा में नक्सलियों के मंसूबों पर जवानों ने पानी फेर दिया। बता दें, मलकानगिरी जिले में बीएसएफ ने बम बरामद किए। बीडीएस टीम की मदद से बम को डिफ्यूज भी किया गया। कोरबा में सड़क के लिए लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तीन पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन किया। कटघोरा ब्लॉक के लोगों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। सड़क की तस्वीर का पूजा पाठ ये करते हुए नजर आए। सड़क के लिए लोगों ने चक्का जाम भी किया। महासमुंद के भोरिंग में सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर बच्चे रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द आछोली से भोरिंग जाने वाली रास्ते की मरम्मत की मांग की है। उन्होंने बताया कि स्कूल जाने में उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। बता दें कि स्कूल जाने वाले करीब 5 किलोमीटर के रास्ते की हालत बहुत खराब है। कई बार शिकायत हुई लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दंतेवाड़ा का जिक्र करते हैं। यहां पर एक भैंस ने जमकर उत्पात मचाया। शहर के गायत्री मंदिर चौक में भैंस ने लोगों पर हमला कर दिया और इस हमले में 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी के साथ ही कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। भैंस पर काबू पाने के लिए नगर पालिका की टीम के अलावा कोतवाली पुलिस और वेटरनरी विभाग के कर्मचारियों को 4 घंटे कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कांकेर में भालुओं का खौफ जारी है। आमोड़ा हॉस्पिटल में फिर भालू देखने से दहशत है। इस बार 2 भालू एक साथ खेलते नजर आए। हॉस्पिटल के स्टाफ ने भालुओं का वीडियो बनाया। भालुओं के रिहायशी इलाके में आने से लोगों में काफी डर भी है। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।